एनसीबी के रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक का नया अटैक, कहा मैं अपने आरोप पर कायम, कल मैंने जो सर्टिफिकेट दिखाया वो असली। नवाब मलिक ने कहा समीर के पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े है, समीर के पिता का नाम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हुई। नवाब मलिक का सवाल, समीर वानखेड़े की बहन का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन उपलब्ध, समीर वानखेड़े का सर्टिफिकेट ऑनलाइन क्यों नहीं दिख रहा, 1.5 महीने की तलाश के बाद मिला सर्टिफिकेट। नवाब मलिक का दावा, ज्ञानेश्वर वानखेड़े जन्म से दलित हैं, अकोला से सर्टिफिकेट हासिल किया, उसी के आधार पर नौकरी की। मंचगांव में निकाह कर दाऊद खान बने वानखेड़े, 2 बच्चों का जन्म हुआ, नवाब मलिक के मुताबिक पूरा परिवार मुसलमान की तरह जीवन बिताता रहा। बाद में ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपना सर्टिफिकेट बदला जो पूरी तरह फर्जी है, झोपड़ी में पढ़ने वाले दलित बच्चों का अधिकार छीना। समीर वानखेड़े की पत्नी आई सामने, कहा मेरे पति चुका रहे हैं ईमानदारी की कीमत, फूलों पर चलने वाले हैं समीर। समीर वानखेड़े के पिता ने खारिज किया नवाब मलिक आरोप, कहा मेरा नाम दाऊद नहीं ज्ञानदेव वानखेड़े है, सबूत दिखाए। ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा मेरे पैन कार्ड आधार कार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा है नाम, राशन कार्ड पर भी लिखा है ज्ञानदेव वानखेड़े। नवाब मलिक ने एनसीबी के कर्मचारी का खत जारी किया, खत को एनसीबी की जाँच में शामिल करने की मांग की। मलिक ने कहा खत में 26 फर्जी मामलों की जाँच की जानकारी है। आज सीएम उद्धव और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मिलेंगे नवाब मलिक, समीर वानखेड़े के खिलाफ जाँच की करेंगे मांग। शिवसेना की अपनी गठबंधन सरकार के मंत्री नवाब मलिक को नसीहत, कहा लोकतंत्र में आलोचना करना अधिकार, लेकिन किसी अधिकारी की निजता को बीच में नहीं खींचना चाहिए। सामना के जरिए शिवसेना ने समीर वानखेड़े पर साधा निशाना, कहा क्रूज मामले को मिल रहे प्रचार की वजह से बेलगाम और निरंकुश हुए एनसीबी प्रमुख, रिया चक्रवर्ती को जेल भेजने वाले भी यही अधिकारी थे। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला, कहा बीजेपी खुद को सभी राष्ट्रीय एजेंसियों का मालिक समझ रही है, लेकिन मालिक भी बदलेंगे और नब्ज भी छूट जाएगी। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए आज दिल्ली से मुंबई जा सकती है एनसीबी के 3 सदस्यों की टीम, एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में होगी विजिलेंस जांच। अपने खिलाफ एनसीबी विजिलेंस जांच के ऐलान के बाद दिल्ली पहुंचे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, विभाग से समन मिलने से इनकार किया। समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया गलत, कहा किसी दूसरी वजह से आया हूं दिल्ली। दिल्ली में हिंदू सेना ने लगाया समीर वानखेड़े के समर्थन में पोस्टर, समीर वानखेड़े के जज्बे को सलाम किया। मुंबई में महिला वकील ने MRA मार्ग पुलिस थाने में समीर वानखेड़े और 5 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, ड्रग्स मामले में FIR दर्ज करने की मांग। क्रूज ड्रग्स केस में मुख्य गवाह किरण गोसावी आज लखनऊ में करेगा समर्पण, मड़िया गांव थाने के बाहर पुलिस बल तैनात। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई, आर्यन की तरफ से पेश होंगे मुकुल रोहतगी। मुंबई की आर्थर रोड जेल में 18 दिन से बंद है आर्यन, क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई। एक्ट्रेस अनन्या पांडे से आज तीसरी बार पूछताछ करेगी एनसीबी, कल एनसीबी के सामने पेश नहीं हुई थी अनन्या। इंडिया टीवी से बोला गवाह प्रभाकर सईल, एनसीबी अधिकारियों ने मुझसे 9-10 ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर लिए थे। लखीमपुर हिंसा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जताई थी नाराजगी, यूपी सरकार से एक और स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा था। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के 40 जवानों को दी श्रद्धांजलि, सीआरपीएफ के कैंप में ही बीती रात रुके थे शाह। अमित शाह ने कहा जवानों के सर्वोच्च बलिदान से आतंक को जड़ से मिटाने का हमारा संकल्प और मजबूत हुआ, ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने सीआरपीएफ कैंप में शहीद जवानों की याद में पौधे भी लगाए, देश के लिए शहीदों के बलिदान के लिए उन्हें याद किया। अमित शाह बोले अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद कश्मीर में नहीं चली एक भी गोली, न ही रक्तपात हुआ, सीआरपीएफ की वजह से ही हो पाया ये संभव। अमित शाह ने कल अचानक रुकने कश्मीर में एक और दिन रुकने का फैसला किया, सीआरपीएफ कैंप में जवानों के साथ किया डिनर। अमित शाह ने बढ़ाया जवानों का हौसला, जवानों ने ली सेल्फी, कहा हमारा दिन बन गया। अमित शाह ने कहा आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्रीनगर के डल झील में शिकारा महोत्सव में शामिल हुए अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में मना T20 वर्ल्ड में पाकिस्तान की जीत का जश्न, मामले में UAPA के तहत 2 केस दर्ज, SKIMS हॉस्टल और GMC हॉस्टल के छात्रों के खिलाफ केस दर्ज। पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर में जश्न के बहाने संजय राउत का सरकार पर अटैक, गृहमंत्री अमित शाह के कश्मीर में रहते देश विरोधी नारे पर जताई चिंता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे अयोध्या, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद बोले सीएम केजरीवाल, आज मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, मैं अपनी क्षमता को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दर्शन कराने में इस्तेमाल करूंगा। सीएम केजरीवाल ने कहा अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो सभी यूपी वासियों के लिए अयोध्या में मुफ्त दर्शन की व्यवस्था करवाएंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहुंचे हनुमानगढ़ी मंदिर, भगवान बजरंगबली के दर्शन किए, आप सांसद संजय सिंह भी साथ में थे। केजरीवाल ने मंदिर में बजरंगबली की आरती उतारी, मंदिर के पुजारी का भी लिया आशीर्वाद। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कल सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी नई पार्टी को लेकर कर सकते हैं ऐलान। अमरिंदर ने सोनिया गांधी से लेकर सुषमा स्वराज के साथ अपनी महिला मित्र अरूफा आलम की तस्वीर शेयर की, पूछा क्या ये सभी लोग IFI एजेंट हैं। अमरिंदर ने अपने फेसबुक पेज पर कहा अगर भारत और पाकिस्तान के बीच वीजे की समस्या नहीं होती तो अपनी महिला मित्र को बार बार बुलाता।
दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक, विधानसभा चुनावों को लेकर बनेगी रणनीति। बैठक में राहुल के अलावा नवजोत सिद्धू भी शामिल। कांग्रेस के साथ विवाद पर लालू यादव की सफाई, कहा मुख्य भूमिका में आए कांग्रेस, हमसे ज्यादा कांग्रेस का साथ किसी ने नहीं दिया। बिहार उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे लालू यादव, कल कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों सीटों पर आरजेडी ने जीत का दावा किया है। नीतीश कुमार को लेकर बोले लालू यादव, लोगों में अहंकार और लालच बढ़ गया है, हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगा रहे हैं, उन्हें पीएम मटेरियल बता रहे हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी में विवाद को बताया नूरा कुश्ती, कांग्रेस का मकसद आरजेडी को जिताना। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा और रेप का आरोपी करण मोरवाल गिरफ्तार, पिछले 6 महीने से फरार आरोपी पर था 25,000 का इनाम। मध्य प्रदेश में आपत्तिजनक सीन या किसी धर्म को आहत पहुंचाने वाले सीन की शूटिंग से पहले प्रशासन से लेनी होगी मंजूरी, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा सरकार जारी करेगी गाइडलाइंस। साध्वी प्रज्ञा मिश्रा ने कहा कि उनकी संस्था भारत शक्ति अखाड़ा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद शूटिंग की देगी मंजूरी, कानूनी एक्शन के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखेंगी खत। पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने पर सीएम चन्नी बुलाएंगे विधानसभा का सत्र, केंद्र पर आदेश वापस लेने का दबाव बनाएंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले सीएम चन्नी, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, केंद्र आदेश वापस ले। सीएम ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में भी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने का करते हैं विरोध, कानून व्यवस्था राज्य का विषय। चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस को लगा झटका, राजेश पति त्रिपाठी और अखिलेश ललितेश त्रिपाठी ने टीएमसी का दामन थामा। हरीश रावत और हरक सिंह में मिट रही है दूरियां, चुनाव से पहले हरक सिंह ने हरीश रावत को बड़ा भाई बताया। हरीश रावत ने हरक सिंह से आपदा में प्रभावित लोगों की मदद की गुहार लगाई, कहा मुश्किल में सभी साथ काम करते हैं। आज मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री, सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में होगी बैठक। शिलांग से डिब्रूगढ़ के लिए इंडिगो फ्लाइट की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी 28 अक्टूबर को 18वें आसियान इंडिया समिट में हिस्सा लेंगे, ब्रुनेई के सुल्तान ने दिया न्योता। दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, मलेरिया रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हुए भर्ती। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह केस में केंद्र के संपर्क में हैं महाराष्ट्र पुलिस, चांदीवाल कमीशन के सामने अभी तक पेश नहीं हुए परमबीर। महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में है, सभी कानूनी पहलू पूरे होने के बाद लिया जाएगा फैसला। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान, सरकार में बड़े स्तर पर होता है ईगो। गडकरी ने कहा सरकार को लगता है कि उनके पास सारी जानकारी होती है इसलिए नहीं लेते लोगों से सलाह। दिल्ली के सीमापुरी में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, दम घुटने के कारण 4 लोगों की मौत। नींद में होने की वजह से परिवार को नहीं मिला बचने का मौका, दूसरी मंजिल पर सो रहा परिवार का एकमात्र सदस्य जिंदा बचा। मुंबई से सटे थाने की हाई राइज की 5वीं मंजिल पर लगी आग, फायर ब्रिगेड ने 15 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। गाजियाबाद के खोड़ा में 3 मंजिला मकान में लगी आग, गैस सिलेंडर फटने से गिरी मकान की छत, मकान में ही हो रहा था नमकीन चिप्स बनाने का काम। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियारों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पुणे में तेंदुए की तलाश में जुटा वन विभाग, हड़पसर में एक युवक पर आज किया था हमला। टेस्ट ट्रैक पर दौड़ती नजर आई कानपुर मेट्रो सिग्नल दरवाजों का भी हुआ परीक्षण, UPMRC की टीम ने जताई खुशी। तमिलनाडु के सेलम में वाटरफॉल में फंसी एक महिला और उसके बच्चे को रेस्क्यू किया गया, अचानक बढ़ गया था पानी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 लड़के नदी की तेज धार में गिरे, बाद में सुरक्षित बाहर निकले। मुंबई में पॉट होल में गिरकर 2 बच्चों की मौत, घर वालों का रो रो करके बुरा हाल। देश में कोरोना के करीब 12,428 नए केस, 24 घंटे में 356 लोगों की मौत। सीरम इंस्टीट्यूट ने DCGI को भेजा आवेदन, कोविशील्ड वैक्सीन के लिए मांगी नियमित मार्केटिंग की इजाजत। आज को वैक्सीन को मिल सकती है अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी, WHO की बैठक में हो सकता है फैसला। अमेरिका ने जारी की नई ट्रैवल एडवाइजरी, अमेरिकी ट्रैवल करने से पहले देना होगा पूरी तरह वैक्सीनेटेड होने का सबूत, 8 नवंबर से लागू हो रही एडवाइजरी। नवंबर तक देश को मिलेगी एक और नई वैक्सीन, लॉन्च होगी बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन, कार्बोवैक्स फार्मा कंपनी ने तैयारी की 10 करोड़ वैक्सीन की डोज। केरल में कोरोना के 6,664 नए केस मिले, 24 घंटे में 53 मरीजों की जान गई। इमरान खान के सिर चढ़ा जीत का नशा, कहा अभी हमने भारत को हराया है इसलिए अभी भारत से बातचीत नहीं कर सकते। इमरान खान ने रियाद में पाकिस्तान सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में उड़ाया भारत का मजाक, अपनी हद भूलते हुए भारत से करने लगे तुलना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और बारिश के बाद बर्फबारी, कुछ जगहों पर खिसकी चट्टान। तेज तूफान की वजह से कई जगहों पर गिरे पेड़, सैकड़ों घरों की बिजली सप्लाई गुल हुई। अमेरिका के इदाहो में एक मॉल में हुए फायरिंग, गोलीबारी में एक पुलिस ऑफिसर समेत 2 लोगों की मौत, 4 घायल, पुलिस हिरासत में संदिग्ध आरोपी। न्यूयॉर्क में अमेज़न के गोदाम में बाहर वर्कर्स का प्रदर्शन, लेबर यूनियन बनाने का किया समर्थन, यूनियन बनाने के लिए दिए गए 2,000 से ज्यादा दस्तखत। प्रॉफिट ओवर सेफ्टी के आरोपों के बावजूद बढ़ा फेसबुक का प्रॉफिट, पिछले तिमाही के मुकाबले 17% ज्यादा प्रॉफिट हुआ।
हैती में ट्रेड यूनियन की हड़ताल, तेल की कमी से परेशान हुए लोग, हैती में बदहाल सुरक्षा व्यवस्था और किडनैपिंग को लेकर लोगों ने विरोध जताया। सीरिया में अमेरिकी सेना के बेस कैंप पर हुए हमले के लिए अमेरिका ने ईरान को ठहराया जिम्मेदार, कहा 5 ईरानी ड्रोन से किए गए थे धमाके। कैलिफोर्निया में बाढ़ बारिश से हुआ नुकसान, जगह जगह गिरे पेड़, कई इलाकों में बत्ती गुल है। साउथ कैरोलिना में मिलिट्री बेस कैंप पहुंची अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन, काबुल में एयरलिफ्टिंग के दौरान शहीद हुए पायलट और जवानों के परिवार वालों से मिलकर दी श्रद्धांजलि। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों में फंसे लोग, फायर फाइटर्स ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। स्पेन के ला पाल्मा में और तेज हुआ ज्वालामुखी, सिलावा निकलना पहाड़ों से, नीचे की तरफ बह रही है पिघली हुई चट्टान। अफगानिस्तान में ने स्कॉटलैंड पर दर्ज की 130 रन की रिकॉर्ड जीत, अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए थे। स्कॉटलैंड के साथ मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान भावुक हुए अफगानिस्तान के कप्तान नबी, अपने आंसू पोंछते नजर आए। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने टीम के साहस की तारीफ की, कहा पाकिस्तान समर्थित तालिबान के फरमान को नजरअंदाज कर गाया राष्ट्रगान और फहराया ध्वज। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मुजीबुर रहमान को मिला, देशवासियों को दी बधाई। लाहिरू कुमारा और लिटन दास आचार संहिता उल्लंघन के दोषी, कुमारा पर मैच फीस का 25%, दास पर 15% जुर्माना लगा। सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को निशाना बनाए जाने पर बोले सचिन तेंदुलकर, शमी वर्ल्ड क्लास बॉलर। आईपीएल 2022 में खेलेंगी 10 टीमें, लखनऊ की टीम को RPSG ग्रुप ने खरीदा, वहीं अहमदाबाद की टीम CVC कैपिटल ग्रुप की हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।